नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल देवभूमि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में। दोस्तों, आज बिट लॉजिक का दूसरा चैप्टर मैं कवर करने वाला हूं, जिसके अंदर नेगेटिव आरएलओ एज डिडक्शन, पॉजिटिव आरएलओ एज डिडक्शन, सेब नेगेटिव एंड पॉजिटिव एज डिडक्शन, ये मेरे पांच कंपोनेंट इसके अंदर कवर होने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको कुछ ऊपर के जो रिसेट सेट कंपोनेंट हैं इनके बारे में डिस्कस किया था, तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो बारी बारी से मैं इन कंपोनेंट को डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों, एक बात और बता दूँ कि काफ़ी जो बिगनर्स हैं और जो सीख रहे हैं उनको पता है कि पीएलसी कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आज के टाइम पर इंडस्ट्री के अंदर और एमएनसीज में कितना रोल पीएलसी का है, और बहुत सारे लोग काफ़ी पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं पीएलसी को सीखने में। जो सीख रहे हैं उनको पता है कि करीब 18 से 20 हज़ार रुपये के आसपास पूरे कोर्स की जो फ़ी होती है वो इतना 15 से 20 हज़ार के बीच में कहीं डिपेंड करता है कि आप किस कोचिंग इंस्टीट्यूट से वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन वही ट्रेनिंग मैं आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। और अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को समझें, जो सीख रहे हैं वो समझें और अप्लाई करें इसको, और अपना नॉलेज भी बढ़ाएँ और लोगों को भी इस बारे में बताएँ। तो जो हमारे अब नेक्स्ट चलते हैं, हम बात करते हैं जो हमारा कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में। जो हमारा रह गए थे कंपोनेंट, इसमें है आपका नेगेटिव आरएलओ एज डिटेक्शन, ठीक है। इस कंपोनेंट को यूज़ करने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि किसी पर्टिकुलर एज पर आपके आउटपुट को ट्रिगर करना, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या होता है कि कई बार इंडस्ट्री के अंदर या हम कोई भी फैक्ट्री है उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बन रही हैं जिसमें आपका मशीन जो है कुछ टाइम इंटरवल के लिए ऑपरेट। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जैसे कोई लेज़र ऑपरेशन है, यानी कि थोड़ा टाइम इंटरवल तक लेज़र बीम पर किसी ऑब्जेक्ट पर गिरनी है, लेकिन वो टाइम कितना होना चाहिए, वो मिनिमम टाइम इंटरवल होना चाहिए, यानी कि मिलीसेकंड के अंदर वो ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। अगर हम हार्डवेयर इनपुट यूज़ करते हैं, आप कल्पना कीजिए अगर आप एक स्विच यूज़ करते हैं या पुश बटन यूज़ कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि कम से कम आप उस ऑपरेशन में आधा सेकंड का टाइम ज़रूर लेंगे, ठीक है। लेकिन कहीं पर क्या होता है, स्पेसिफिक ऑपरेशन होते हैं और डिफाइंड ऑपरेशन होते हैं कि कितना मिली सेकेंड तक वो आउटपुट आपकी ऑपरेट होनी चाहिए, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एज डिटेक्शन एलिमेंट्स। तो देखते हैं किस तरीके से काम करते हैं। यहाँ पर इनपुट एक प्रोवाइड कर देता हूँ मैं, I0.0, एक मेमोरी इनपुट दे देता हूँ और एक आउटपुट इसको दे देता हूँ Q0.0, ठीक है। तो एज डिटेक्शन को समझने से पहले, नेगेटिव आरएलओ एज डिटेक्शन का मतलब है नेगेटिव रीड लॉजिक ऑपरेशन, ठीक है। तो जो आपका रीड लॉजिक ऑपरेशन है, जो हमारा आरएलओ है वो है हमारा रिजल्ट ऑफ लॉजिक ऑपरेशन, ठीक है। तो आरएलओ को समझने से पहले, नेगेटिव आरएलओ को एज डिटेक्शन को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा सिग्नल है वो कितने तरीके से होता है और उसमें क्या क्या कौन कौन से उसमें एज होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नेगेटिव एज की, ठीक है। तो सिग्नल जो है हमारा, क्योंकि हम डिजिटली वर्क करते हैं, तो हमारा सिग्नल क्या होता है, या तो 1 एंड 0 में होता है, ठीक है। ये हमारा एक डिजिटल सिग्नल है और ये हमारा है 0 और ये है हमारा एज 1, ठीक है। ये हमारा जस्ट क्या है, एक पॉजिटिव सिग्नल है, प्लस वी सिग्नल, इसको हम बोलते हैं प्लस वी सिग्नल, नॉर्मल सिग्नल। और एक सिग्नल है हमारा इस तरीके से, ये हमारा 0, ठीक है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं एक नेगेटिव सिग्नल। लेकिन जहाँ पर एच की बात आती है तो वो किस तरीके से हम उसको देखते हैं, कई बार क्या होता है सिग्नल किसी पर्टिकुलर एज पर ही ट्रिगर होता है, यानी कि आउटपुट जो है किसी पर्टिकुलर एज पर ट्रिगर होती है, उसको बोलते हैं हम एज सिग्नल, और वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव एज का मतलब है जब आपका सिग्नल 0 से 1 पर जाए, यानी कि वो कौन सा सिग्नल है, ये वाला, ठीक है। एज को हमेशा क्या करते हैं, एरो से शो करते हैं, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका पॉजिटिव प्लस वी एज, ठीक है, प्लस वी एज सिग्नल, ठीक है। तो एज कौन सा हो गया आपका, एज मीन्स किनारा, यानी कि 0 से लेकर के 1, जब सिग्नल आपका 0 से 1 जा रहा है, ठीक है, उस टाइम इंटरवल पर। तो यहाँ पर अगर कोई सिग्नल है, यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ, ये मेरा माना इनपुट सिग्नल है, ठीक है, ये इनपुट सिग्नल है। तो अगर मैं आउटपुट की बात करता हूँ, तो आपका जो आउटपुट है कहाँ पर टर्न ऑन होने वाला है,
वो आपका एच पर टर्न ऑन होने, यानी कि यहाँ पर वो टर्न ऑन होने वाला है, ठीक है, एच पर। तो एच पर टर्न ऑन होगा, इस तरीके से हाई हो जाएगा आउटपुट, और बहुत टाइम इंटरवल के लिए। अगर माना मैं इसको मानता हूँ कि ये पूरा टाइम क्या है, 1 सेकेंड का है, माना ये 1 सेकेंड है, ठीक है, इसकी जो विड्थ है, टाइम पीरियड 1 सेकेंड का है, तो ये क्या होगा, एक बहुत ही कम टाइम इंटरवल, यानी कि मिली सेकेंड से भी कम टाइम इंटरवल तक हाई रहेगा, और देन उसके बाद आपकी आउटपुट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, जब तक कि आपको अगला एज ना मिल जाए, ठीक है। अगर माना यहाँ पर से तो आपको दोबारा से कोई एज सिग्नल मिल रहा है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका आउटपुट दोबारा से यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा टाइम इंटरवल के लिए ऑन होगा और फिर से वापस 0 हो जाएगा। तो ये जो आपका है, ये आपका है इनपुट सिग्नल, ठीक है, और ये आपका आउटपुट सिग्नल, ठीक। तो थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा एज डिटेक्शन। एज डिटेक्शन का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर एज पर आउटपुट ट्रिगर होना, ठीक है। ये तो है पॉजिटिव एज, लेकिन ये हम निगेटिव एज की बात करते हैं। तो निगेटिव एज सिग्नल क्या है हमारा, यह एक डिजिटल सिग्नल है, ठीक है। निगेटिव एज सिग्नल होता है जब यहाँ पर जो पहले मैं पॉजिटिव एज की बात कर लेता हूँ। पॉजिटिव एज सिग्नल मीन्स कि सिग्नल हमारा क्या हो रहा है, 0 to 1 जा रहा है, व्हेन सिग्नल गोज़ टू 0 to 1। लेकिन निगेटिव एज सिग्नल क्या है, जब सिग्नल हमारा 1 से 0 जा रहा है, 1 से 0, ठीक है, ये सिग्नल। तो यहाँ पर जो एज बनता है, ये इसको बोलते हैं हम निगेटिव एज, ठीक है। सिग्नल कहाँ जा रहा है, ये आपका इनपुट है, निगेटिव एज इनपुट, ठीक है। कई बार पॉजिटिव एज में क्या होगा, सिग्नल इस आउटपुट आपका इस ड्यूरेशन तक ऑन रहता है, ठीक है, लेकिन एज सिग्नल में क्या होगा, केवल एज पर ही आउटपुट आपका परफॉर्म होता है, उसके अलावा नहीं होता है, ठीक है। अगला एज आएगा इस तरीके से, अगेन 1 to 0, तो डिफरेंस है यहाँ पर। पॉजिटिव एज में क्या होता है, 0 to 1, और नेगेटिव एज में 1 to 0, यानी सिग्नल जब आपका 1 से 0 जा रहा है, यानी कि हाई से लो हो रहा है, तो वहाँ पर जो एज आपका बन रहा है, इसको बोलते हैं नेगेटिव एज, ठीक है। ये क्या आपका नेगेटिव, नेगेटिव एज, ठीक है, ये आपका नेगेटिव एज सिग्नल, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ कि इस ऑपरेशन की, कि आपका जो आउटपुट है कहाँ पर ट्रिगर होना चाहिए, तो वो आपका होना चाहिए नेगेटिव एज पर ट्रिगर, ठीक है। दोनों में अंतर है, आप देखेंगे जैसे सिग्नल यहाँ पर आएगा नेगेटिव एज में, थोड़ा टाइम इंटरवल के लिए ऑन होगा एंड वापस ऑफ हो जाएगा। ये टाइमिंग कितना रहेगा, मैंने बताया था कि मिली सेकेंड का, मिली सेकेंड, सेवरल मिली सेकेंड, बहुत कम टाइम इंटरवल, जो कि हम अपनी आँख से उसको बहुत रेयरली देख पाते हैं, और अगेन ये आपका 0। तो यहाँ पर आउटपुट आपकी क्या हो रही है, ये आपका आउटपुट आउटपुट है, ये आउटपुट आपकी कोई भी हो सकती है, लेजर ऑपरेशन हो सकता है, कोई फास्ट ऑपरेशन है जिसको बहुत टाइम इंटरवल के लिए ऑपरेट करना है, तो इस तरीके के ऑपरेशन आपके हो सकते हैं। तो यहाँ पर आउटपुट आपकी क्या हो रही है, निगेटिव एज पर, यानी कि जब सिग्नल आपका इनपुट 1 to 0 जा रहा है, 1 से 0 जा रहा है, हाई से लो हो रहा है, उस टाइम इंटरवल आउटपुट आपकी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ऑन हो रही है, ठीक है। तो ये है आपका नेगेटिव एज डिटेक्शन, और ये है आपका पॉजिटिव एज डिटेक्शन। अब देखते हैं इसको किस तरीके से ये फंक्शन करता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक और इनपुट ले लेता हूँ, और पॉजिटिव एज, इसके लिए दूसरा इनपुट यूज़ कर लेते हैं, 0.1 मेमोरी, 0.1। अब यहाँ पर जो मेमोरी का रोल है, वो है, वो इनपुट को रिप्रेजेंट करता है। रीसेट सेट जब मैंने बताया था, तो वहाँ पर आपने देखा होगा जो मेमोरी इनपुट है वो आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर जो मेमोरी है वो इनपुट को ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं किस तरीके से वर्क होता है। पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि हम इसको देख पाएंगे या नहीं पाएंगे, या वीडियो में ये कैसे दिखेगा, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो मैंने मुझे नहीं पता कि ये आपको दिखेगा, लेकिन कोशिश करते हैं किस तरीके से ये काम होगा, ठीक है। I0.0 पर इनपुट देते ही मेरा Q0.0 में ऑपरेशन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, देखिए ये नेगेटिव एज है, इसको कहाँ पर ऑपरेट होना है, अभी जस्ट मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं। नेगेटिव एज यहाँ पर ऑपरेशन होना है 1 to 0 पर, ठीक है, 1 to 0 पर। तो ये ध्यान देना है मुझे कि जब मेरा सिग्नल 1 to 0 जाए तभी यहाँ पर ऑपरेशन होना चाहिए, अदरवाइज ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि जब मैं 0 से 1 करूँ, 0 से सिग्नल को 1 करूँ, तो ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन जब 1 से वापस 0 करूँ तो ऑपरेशन मेरा परफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। इसको देख लेते हैं। अब देखिए मैं इनपुट क्या कर रहा हूँ, I0.0, इसको 0, अभी 0 है मेरा,
जीरो से वन कर रहा हूँ, यानी कि मैं कहाँ पर हूँ इनपुट की, इस स्टेज पर हूँ। अब मैं उस स्टेज से इस स्टेज में जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर किया वन, ठीक। मैं अब इस स्टेज पर पहुँच चुका हूँ, यहाँ पर इस एच पर हूँ। तो जब मैं इनपुट को हटाऊँगा, यानी कि मैं वन से जीरो पर जाऊँगा, ठीक है। तो ये जो टाइम इंटरवल है वन से जीरो पर जाने का, एच, यही इसी निगेटिव एच पर मेरा सिग्नल यहाँ पर ऑपरेट होना चाहिए थोड़ा सा टाइम इंटरवल के लिए। यानी कि जब मैं इनपुट को हटा रहा हूँ, तो इनपुट को हटाते समय आपका जो Q0.0 है वो बहुत टाइम इंटरवल, बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए ऑपरेट होना चाहिए। हम ये देख लेंगे कि किस तरीके से ये ऑपरेट होता है। जैसे मैं, अब देखिए, मैं वन से जीरो पर जा रहा हूँ, यानी कि सिग्नल को मैं हटाने जा रहा हूँ। अभी मेरा इनपुट क्या है, वन है। वन से जीरो जा रहा हूँ, यानी कि निगेटिव एज पर जा रहा हूँ, तो सिग्नल मेरा यहाँ पर हाई हो रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा। एक बार और प्रयास करते हैं। देखिए, थोड़ा टाइम इंटरवल के लिए, आपने देखा होगा। देखिए, अभी मैंने जीरो से वन किया, ठीक है, और वन से मैं हटा रहा हूँ, जीरो पर जा रहा हूँ, निगेटिव एज पर जा रहा हूँ। तो सिग्नल देखिए, थोड़ा सा टाइम, एक कई बार ये थोड़ा सा ब्लिंक करके दिखाता है, क्या पता आप देख पा रहे हो, ठीक है। ये देखिए, किसी किसी टाइम इंटरवल पर ये थोड़ा सा ब्लिंक कर रहा है। इसको सही से देखने के लिए मैं क्या करूँ, करता हूँ यहाँ पर एक सेट बिट लगा देता हूँ, ठीक है। इससे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ मेरा सिग्नल आ रहा है, क्योंकि सिग्नल हम बहुत ही कम टाइम इंटरवल के लिए आता है, तो हमारी आँख से वो विजिबल नहीं है, ठीक है, क्लियरली विजिबल नहीं है। सम टाइम वो शो कर देता है, ठीक है। इससे हमें क्लियर हो जाएगा कि सिग्नल हमारा हर समय आ रहा है, ठीक है। जैसे ही मैं, अब देखिए, इनपुट मैंने I0.0 यानी कि जीरो से वन पर जा रहा हूँ, इस स्टेज पर चला गया हूँ। अब मैं वन से जीरो पर आऊँगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं वन से जीरो पर आऊँगा, ये मेरा क्या होगा, I0.0 हाई होगा, और ठीक इसी टाइम पर ये मेरा सेट बिट भी हाई हो जाएगा, ठीक है। इससे मुझे पता चलेगा कि हर टाइम इंटरवल पर मुझे ये इनपुट मिल रहा है, ठीक है। जैसे मैं वन से जीरो जाता हूँ, तो देखिए आउटपुट मेरा हाई हो गया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं Q0.2 सेट बिट हाई है, ठीक है। तो ये आपका सेट निगेटिव एज RLO डिटेक्शन। नेक्स्ट है आपका पॉजिटिव RLO डिटेक्शन। बस अंतर क्या है कि अब जो हमारा सिग्नल होगा वो निगेटिव एज की जगह पर पॉजिटिव एज पर ट्रिगर होगा, ठीक है। यानी कि कहाँ पर होगा, जीरो से वन पर, इस एज पर ट्रिगर होने वाला है सिग्नल, ठीक है। यानी कि जब हम आउटपुट इनपुट को जीरो से वन पर लेकर जाएंगे, तो आउटपुट आपका क्या रहेगा, हाई रहेगा फॉर सेवरल मिली सेकेंड ओनली, ठीक है। तो ये है आपका पॉजिटिव एज डिटेक्शन, पॉजिटिव RLO एज डिटेक्शन, यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ लॉजिक ऑपरेशन। अब इसको परफॉर्म करते हैं। I0.1 पर मैं जैसे ही हाई करता हूँ, अभी मेरा इनपुट क्या है, देखो जीरो है, जीरो से मैं हाई पर जा रहा हूँ, तो मेरा पॉजिटिव एज डिटेक्शन यहाँ पर इस सिग्नल को डिटेक्ट करेगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं हाई पे गया, तो देखिए थोड़ा टाइम इंटरवल में आपने देखा होगा एक ब्लिंक आया, ठीक है। अभी हाई है सिग्नल, तो जीरो पर जाऊँ तो कोई ब्लिंकिंग नहीं आएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव एज डिटेक्शन है, ठीक है। अगेन जीरो से वन पर जाऊँगा, है ठीक है। तो इसका भी ब्लिंकिंग किसी समय दिख रहा है, किसी समय नहीं दिख रहा है। तो इसको क्लियर करने के लिए दोबारा से एक सेट बिट लगा लेते हैं K0.3। ये आपको ये शो कर देगा कि हर समय हमारा इनपुट यहाँ पर आ रहा है, हालांकि वो हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन आ रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं, कंफर्म हो जाएगा। I0.1 पर मैं जैसे जीरो से वन पर जाऊँगा, किस सिग्नल पर जाना है, यहाँ पर जीरो से वन, लेकिन जब वन से जीरो जाऊँगा तो कोई ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं गया जीरो से वन पर, जीरो से वन, अभी जीरो है वन, देखिए बिट हमारी Q0.3 सेट हो चुकी है। यहाँ पर भी देखेंगे Q0.3 सेट हो चुकी है, ठीक है। अब इसको हटा देता हूँ, माना फॉर एग्जांपल ये वन है, अब मैं वन से जीरो पर जा रहा हूँ, तो क्या ये बिट सेट होगी, ठीक है। यानी कि मैं इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा हूँ, वन से जीरो, इनपुट मेरा क्या है, वन है, और जीरो पर मुझे जाना है, इनपुट मेरा वन है, जीरो पर जाना है। तो देखिए कोई इनपुट ऑपरेशन नहीं हुआ, जबकि नेगेटिव एच में ये ऑपरेशन हमारा परफॉर्म हुआ था, ठीक है। दोनों आप समझ गए होंगे क्लियरली। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं
सही मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, निगेटिव एज एंड पॉजिटिव एज। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये दोनों ही जो ब्लॉक्स हैं ये बिल्कुल निगेटिव एज आरएलओ डिटेक्शन और पॉजिटिव एज आरएलओ डिटेक्शन दोनों के ही जैसा है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। ठीक है, बस इन ये यहाँ पर निगेटिव एंड पॉजिटिव ये दो अलग अलग कंपोनेंट यूज़ होते हैं अलग अलग नेटवर्क में, और यहाँ पर ये एक साथ ही इसमें हमें क्या करना होता है कि जब हम निगेटिव एंड पॉजिटिव एज डिटेक्शन को यूज़ करते हैं तो हमें अलग से एक एनोड लगाना होता है, फिर आउटपुट कॉइल लगानी होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें लगानी होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर इस ब्लॉक में हमें ऑलरेडी सब चीज़ यहाँ पर गिवन है, तो हम एनोड एन सी लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप एड्रेस दे सकते हैं। ठीक है, फंक्शन में कोई अंतर नहीं है, काम दोनों का एक जैसा ही है। ठीक है, यहाँ पर भी मैं एक इनपुट दे देता हूँ, आई 0.1 n 0.1। ठीक है, आप चाहो तो आउटपुट कॉइल लगा सकते हैं, अदरवाइज मेमोरी में आपका आउटपुट सेव रहता है। ठीक है, इसको कर देता हूँ बंद। ठीक है, डाउनलोड कर लेते हैं, तो दो इसमें कोई अंतर, ज़्यादा अंतर नहीं है। इसका नाम है एड्रेस निगेटिव एज डिटेक्शन। ठीक है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आपका निगेटिव एंड पॉजिटिव वर्क करता है, सेम वर्क ये भी करता है। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए, इनपुट I0.0 प्रेस करूँगा तो निगेटिव एज है, तो 0 से 1 पर कोई ऑपरेशन नहीं होगा, नो ऑपरेशन 0 to 1। ठीक है, अब देखिए, इनपुट आपने 1 दिया तो मेमोरी बिट भी आपकी 1 है, तो मैं जैसा कह रहा था कि यहाँ पर मेमोरी जो है इनपुट को शो करती है, जबकि रिसेट सेट में वो आउटपुट को रिप्रेजेंट करती है। जैसे ही मैं इनपुट 1 से 0 करूँगा तो बिट मेरी सेट हो जाएगी, थोड़ा टाइम इंटरवल के लिए सेट हो रही है, हमें दिख नहीं रही है लेकिन थोड़ा टाइम इंटरवल के लिए सेट हो रही है। ये देखिए, अभी ब्लिंक आया था थोड़ा सा। ठीक है, 0 से 1 किया, कोई ऑपरेशन नहीं। जैसे ही 1 से 0 करूँगा तो ऑपरेशन, 0 से 1 करूँगा कोई ऑपरेशन नहीं। ठीक है, तो आप इसको चेक कर लीजिए, तो ये डेफिनेटली आपको एक रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से पॉजिटिव एज डिटेक्शन, तो स्टार्टिंग में जब इनपुट 0 है तो 0 से 1 होते ही आपका डिटेक्शन आएगा, तो वो पॉजिटिव एज डिटेक्शन यानी कि पॉजिटिव एज को डिटेक्ट कर रहा है, थोड़ा टाइम इंटरवल के लिए वो आपके पॉजिटिव एज को डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी क्या है, यहाँ पर एक एज सिग्नल आया है। ठीक है, 1 से 0 जाऊँगा तो कोई ऑपरेशन नहीं होगा, और 0 से 1 पर आऊँगा तो ये देखिए थोड़ा सा ब्लिंक आपने देखा होगा। ठीक है, तो आप रिपीट करके देख सकते हैं वीडियो किस तरीके से ब्लिंक आ रहा है। तो ये ऑपरेशन क्या है, थोड़ा टाइम इंटरवल के लिए जहाँ पर हमें परफॉर्म कराना है अपने आउटपुट को, वहाँ पर आप निगेटिव एज एंड पॉजिटिव एज को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सेव बिट। सेव, ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेव बिट, सेव आरएलओ टू बीआर मेमोरी। इसका पूरा नाम है सेव आरएलओ, यानी कि सेव रिजल्ट ऑफ लॉजिक ऑपरेशन टू बीआर मेमोरी, यानी कि एक वर्चुअल मेमोरी है आपकी पीएलसी की जिसमें आपके ऑपरेशन जो है सेव हो जाते हैं, यानी कि रिजल्ट जो आपका सेव हो जाता है। यहाँ पर इनपुट में दिया I0.0। ठीक है, यहाँ पर एक सेव बिट लगा लेता हूँ। ठीक है, देखो ये यूज़ क्यों होता है, कई बार क्या होता है कि जो हमारे आउटपुट होती है, ठीक है, उस आउटपुट के रिजल्ट को हमें कहीं स्टोर करना है। फॉर एग्जांपल क्या है, मैं इसको हटा करके एक कॉइल यहाँ पे लगा लेता हूँ। ठीक है, ये कॉइल मैंने लगाई, और इस कॉइल के एड्रेस को मुझे क्या करना है, सेव करना है किसी बाइनरी रीड मेमोरी के अंदर। तो यहाँ पर मैंने इनपुट लिया Q0.0। ठीक है, यहाँ पर इसको लिंक कर दिया Q0.0। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे मैं इनपुट प्रेस करूँगा तो Q0.0 हाई होगा, Q0.0 हाई होगा तो ये सेव बिट को ऑपरेट करेगा। ठीक, अब सेव हमेशा क्या होता है, बीआर फंक्शन के साथ में यूज होता है। ठीक है, सेव हमेशा क्या होता है, आपका बीआर फंक्शन के साथ यूज होता है। तो यहाँ पर एक बीआर फंक्शन लास्ट में है हमारा, आगे मैं इसको पूरा ब्लॉक इसको आपको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन इसमें से कुछ स्टेटस बिट ले लेता हूँ। स्टेटस बिट के अंदर होता है आपका बी आर फंक्शन। ठीक है, एनओ बी आर। ठीक, अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर मैं एक आउटपुट कॉइल को दिखा देता हूँ।
को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, कैसे काम करता है देखिए, सेव एंड बीआर का यूज़ होता है कि आपको किसी आउटपुट को कहीं पर सेव करना है, या उसको माना हमारा हमारे हार्डवेयर में कोई हमारे पास में कोई आउटपुट को शो करने के लिए नहीं है, लेकिन हम उसको एक अपनी मेमोरी के अंदर फॉर फ्यूचर यूज़ फर्दर यूज़ के लिए हम उसको सेव करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम बीआर फंक्शन और सेव बिट को यूज़ करते हैं। ठीक है, सेव इसको हम दूसरी भाषा में कहें तो सेव लॉजिक इज़ यूज टू स्टोर ए रिजल्ट ऑफ एन आउटपुट विदाउट गिविंग एनी मेमोरी एड्रेस, इट इज़ लाइक अ मेमोरी। बी आर फंक्शन इज़ यूज ओनली विद द सेव लॉजिक टू एग्जामिन सेव लॉजिक। तो सेव लॉजिक जो है वो एक रिजल्ट को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर हम इनपुट देखते हैं, i0.0 पर मैं इनपुट देता हूँ, ठीक है, 0.0 हाई हुआ, 0.0 हाई होते ही आपका सेव बिट आपका हाई हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने एक सेव बिट के तुरंत बाद, ठीक है, एक बी आर फंक्शन यूज़ किया है, तो बी आर फंक्शन पर कोई एड्रेस नहीं है, ठीक है, जस्ट एक बी आर है, इसका कोई एड्रेस नहीं है, वो जस्ट क्या कर रहा है आपके सेव के ही स्टेटस को रीड कर रहा है। जैसे क्यू जीरो पॉइंट मैंने इनपुट हाई किया तो Q0.0 हाई हुआ, Q0.0 हाई हुआ तो सेव आपका एक्टिवेट हो, यानी कि इस पर हाई इसका रिजल्ट जो है सेट हुआ। सेव हाई होते ही आपका बी आर फंक्शन यानी कि बी आर मेमोरी है, ठीक है, बाइनरी रीड मेमोरी, वो आपकी एक्टिवेट हो जाती है और वो उस आउटपुट को सेव कर रही है फर्दर यूज़ के लिए। अब मैं इस आउटपुट को कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, अपने प्रोग्राम के अंदर या चाहे बाद में कहीं पर भी इंटरलिंक इसको कर सकता हूँ। ठीक, तो ये आपका कंप्लीट हो गया है बिट लॉजिक। तो आशा करता हूँ कि आपको सारे फंक्शंस के बारे में अच्छे से पता चल चुका होगा, और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों, आपके शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का मन करता है और अच्छे से वीडियो बनाने का मन करता है। तो नेक्स्ट जो वीडियोज़ होगी उसमें हम बात करेंगे कंपटीटर की, या फिर जो भी मुझे लगेगा कि पहले कौन सा टॉपिक कवर होना चाहिए, या फिर मुझे आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि कौन सा टॉपिक मैं इनमें से कवर करूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैं आपको एक एक करके इन सबको एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो आप मेरी वीडियो को देखते रहिए और लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।